नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2020 के 46वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स इलेवन पंजाब शारजा के मैदान पर आमने सामने थी। इस मुकाबले में पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता की शुरुआत बेहद खराब रही थी और पहले ओवर में एक विकेट और उसके बाद दूसरे ओवर में दो विकेट गिर गए थे। एक समय टीम का स्कोर सिर्फ 10 रन था और टीम के तीन विकेट गिर चुके थे। यहां से लग रहा था पंजाब की टीम कोलकाता पर दबाव बना देगी, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान इयान मॉर्गन ने शुभमन गिल के साथ मिलकर अनोखे ही अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। जहां लग रहा था कि दोनों संभल कर खेलेंगे, इसके ठीक उलट दोनों ने ताबड़तोड़ और तेज पारी खेलनी शुरू कर दी। दोनों ने पंजाब के गेंदबाजों की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी थी। खासकर कप्तान इयान मॉर्गन तो अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। सिर्फ 25 गेंदों पर वो 40 रन ठोक चुके थे और इस दौरान 5 चौके और 2 छक्के भी लगा चुके थे। वहीं शुभमन गिल भी उनका भरपूर साथ निभा रहे थे और बड़े बड़े चौके और छक्के लगाते नजर आ रहे थे। दोनों के बीच 81 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था दोनों पंजाब से मैच बहुत दूर ले जाएंगे, लेकिन इसी दौरान पारी के 10वें ओवर में स्पिन गेंदबाज रवि विश्नोई ने इयान मॉर्गन का विकेट निकालकर पंजाब की टीम को चौथी और एक बड़ी सफलता दिला दी। जी हां, रवि विश्नोई की गुगली को इयान मॉर्गन पढ़ नहीं पाए और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और बाउंड्री लाइन पर मॉर्गन अश्विन ने कोई गलती नहीं की उनका कैच लपकने में। इयान मॉर्गन 25 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए। आपको बता दें, इस मुकाबले का पहला विकेट ग्लेन मैक्सवेल ने निकाला था और उसके बाद दूसरे ओवर में शमी ने 2 झटके देकर कोलकाता नाइट राइडर्स को बैकफुट पर धकेल दिया था। आपको बता दें, कोलकाता का तीसरा विकेट 10 रन के स्कोर पर, वहीं चौथा विकेट 91 रन के स्कोर पर गिरा। मॉर्गन और शुभमन गिल के बीच 81 रनों की पार्टनरशिप हुई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।